गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एज यू गाइस कैन सी। तो हम जा रहे थे जयपुर अगेन एंड मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी उस दिन और मैं सीधा पीछे जाके सो गई थी। तो मैंने इसलिए कुछ शूट नहीं किया कि हम कैसे जा रहे हैं, क्या क्या पैकिंग करें, नथिंग। जस्ट मैंने वहीं से व्लॉग स्टार्ट किया। लेट्स सी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इधर पीछे पीछे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एंड यस गाइस, यहाँ पे हाईवे करके कोई रेस्टोरेंट था, जस्ट लाइक सुखदेव है ना, मुरथल में वैसे ही कुछ। तो बस रास्ते में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और यस, अभी आप देखते रहिए क्या क्या हुआ। हाय सोफी। एंड यस, देन यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे मॉर्निंग में। मॉर्निंग तो नहीं, आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया था। यस yes. और यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो और हम कैसे आराम से मज़े से सो रहे हैं। इसने कुछ नहीं खाया मॉर्निंग में और ये पूरे रास्ते ऐसे ही सोता हुआ आया, कुछ भी नहीं खाया। फिर बस हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करा। ब्रेकफास्ट करके हम सब वहाँ से निकले और यहाँ पे पता नहीं सोफी को क्या क्या चाहिए था, उसको जहाँ कुछ दिख जाता है। फिर उसने ये सब लिया, फिर हम लोग वापस बैठे। एंड फाइनली वी रीच्ड हियर। हम मेरे वाले स्टेट में रुके थे फॉर नेक्स्ट वन और टू डेज़ और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी ना गाइज, आप देख सकते हो। मैंने वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लगा रखी है, सी। एंड इतनी प्यारी प्रॉपर्टी, इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी थी। यहाँ हम गाइज एक दिन के लिए आए थे बट हमारा प्लान चेंज हुआ प्रॉपर्टी देख के और हमने एक्सटेंड करा एक दिन और। इतनी प्यारी प्रॉपर्टी थी ये। फिर यहाँ जाने के बाद थैंक यू सो मच सिद्धार्थ एंड ऑल द मैनेजर्स, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था। हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी थी यहाँ की और सब इतने कोऑपरेटिव थे। फिर यहाँ पे इन लोगों ने व्हीलचेयर भी अवेलेबल करवाई मम्मा के लिए। फिर यहाँ पे मैंने सारे कीज़ वगैरह जो भी बाकी की फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब करी एंड देन सबको बहुत मज़ा आया, इवन सब को बहुत मज़ा आया यहाँ पर। Everyone is there. सब आ रहे हैं। See what a view. Hi guys. Hi guys. First floor. Book खड़े हैं वहाँ पे. Volume. बिल्कुल. Straight. Okay. Thank you. So yes, this is our property for next one or two day maybe. Let's go guys. बहुत ही ज़्यादा next level की गर्मी होगी, next level की गर्मी। अस्सलाम वालेकुम, there's everyone. Check in कर लिया हम लोगों ने and I am going. See, कितना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे का। We are all set. चले। And yes, guys, आप यहाँ पे हमारा रूम टूर देखिए अब। एंड यस, यहाँ पे मैं मम्मा के लिए चाय बना रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था और खाना हमने ऑर्डर दे दिया था
उसमें आने में टाइम था, तो यस तब तक मैंने अम्मी को चाय दी। एंड यहाँ का भी वॉशरूम एंड वार्डरोब सेम है। गाइस बहुत ही ज़्यादा थक लग गई है आफ्टर 7 और 8 घंटे का पूरा सफ़र था, और अभी ना गर्मियाँ शुरू हो गई है। दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा है, और यहाँ एज़ कम्पेयर टू दिल्ली जब हम लोग आई थिंक जनवरी में आए थे तब भी इतनी गर्मी थी, बट अभी फिर भी अब अप्रैल चल रहा है तो ऑब्वियसली होगी जेन्युइन गर्मी। और ये रूम्स में तो पता नहीं चला, बाहर जाके पता चलेगा। और उस टाइम हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक जगह छोड़ दी थी, तो हमने सोचा इस बार भाई ने भी नहीं देखा था जयपुर, तो आई थॉट कि हम लोगों को यहाँ आना चाहिए। बट गाइज यहाँ की एमिनिटीज़ बहुत ही अच्छी है, मैंने आपको रूम टूर दिया। आज तो हमारा फर्स्ट डे, आज का व्लॉग में मैं आपको पूरा फर्स्ट डे का टूर दिखाऊँगी कि हमने फर्स्ट डे में क्या क्या किया। और यस उसके बाद मैं आपका सेकंड डे भी दिखाऊंगी, क्योंकि आए तो हम लोग ये सोच के थे कि हम लोग एक दिन रुकेंगे, बट हमारा प्लान चेंज हो गया टोटली, क्योंकि वी थॉट कि अगर हम इतने दूर आए 12-14 घंटा का सफ़र करने के, तो एक दो दिन रुकना चाहिए। और यस इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं जल्दी से सोऊँगी। और ये लोग बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं इधर बच्चों के साथ, सोफिया रमजा। सो यस वी आर इन्जॉइंग हियर, और अभी ब्रेस्ट करना है। यहाँ का व्यू मुझे इतना ऑथेंटिक, इतनी प्यारी वाइब दे रहा है, बहुत ही प्यारी। बहुत ही अच्छी। यस अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आई लेट यू नो एवरीथिंग। और बहुत ही ज़्यादा थक लग गई है गाइस, इंशाल्लाह 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 आई अपडेट यू एज सून एज पॉसिबल। और यस यहाँ की सारी डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्दी, एंड इवन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ का एड्रेस एंड सब कुछ डाल दूँगी जो भी आपको पूछना होगा। और अगर आपको प्रॉपर प्राइजेस वगैरह चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और वहाँ जाके मुझे फॉलो करना है। मैं यहाँ की सारी एमिनिटीज़ वहाँ पे डालूँगी और इनको फॉलो भी कर लूँगी इफ़ दे आर इन इंस्टाग्राम, और आपको फिर वहाँ से सारे प्राइजेस एंड ऑल पता चल जाएंगे। तो वैसे तो इनका मेक माय ट्रिप और सारी उसमें ही है साइट्स में होटल्स में, बट वैसे भी अगर आपको प्राइजेस वगैरह देखने होंगे ऑफलाइन तो वो भी अवेलेबल है। तो बाय बाय सर। वाटर आ गया, हम लोग जल्दी से खाना खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मिलेंगे शाम को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो मम्मी नमाज़ पढ़ने गई है, जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि बहुत तेज बुखार है। बाहर के मज़े इन्हें बताया मुझे कि यहाँ से एक को बहुत अच्छा व्यू है, लेट मी चेक क्या है क्या नहीं है। ब्यूटीफुल ये ना शाम को आराम से बैठने के लिए, इट इज लाइक फुल। गाइज आई गॉट इट, जब मैं लास्ट टाइम आई वेंट हेयर ना, तो आई थिंक कि कोई नज़ारे या कुछ है लीव, वहाँ पे मेरी पिक्चर्स है। आई रिमेंबर ये पानी वहीं का ही है। यस 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 आई रिमेंबर, वाओ। एंड यस गाइज ये मेरी पिक्चर्स लास्ट टाइम के, जब हम लास्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे थे, जो मैं ऊपर से आपको व्यू दिखा रही थी, खम्बे वहाँ पे हमारी पिक्चर्स थी, देखो रिमेंबर। हाँ हम बैठे दरगाह।
बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी। आई थिंक ये खुलता है, वाह ये खुलता भी है। या मैं वहाँ से भी, आपने ब्लॉग में देखा होगा, वहाँ से मैंने एंट्री ली थी। एंड यस गाइज, आपने लॉबी का टूर देखा कितना प्यारा था। आगे मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी वन बाय वन, बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ का। मम्मा ने मुझे बताया था जैसे दो तीन फैमिलीज एक साथ आती है ना, कोई प्लान बनाते हैं घूमने का, तो यहाँ पे टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस लॉबी में, और व्यूज़ के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और जो आपको मैं अभी सामने ग्राउंड दिखाया था ना, जहाँ से हमने एंट्री की थी, तो वो ग्राउंड बेसिकली वहाँ पे शादी वगैरह होती हैं, जैसे कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहे, पीछे उनको लेक व्यू चाहिए, एग्जैक्ट वही उन्होंने यहाँ पे बना रखा है, बहुत ही प्यारा। और हमने सोचा था यार यहाँ पे हम आए तो एक शादी देख लें, क्योंकि लाइटिंग वगैरह ऑन नहीं करी हुई थी, उन्होंने बोला था जब शादी होती है तभी ऑन होती है। और आगे के जो पार्ट्स आएंगे ना उसमें आपको पूरा दिखेगा, और एक शादी भी थी। और यस गाइज, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ 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 मेरा जब भी आप व्लॉग देखो तो सब्सक्राइब, एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और यस गाइज, अभी आप आगे आगे देखते रहिए क्या क्या हुआ। सी यहाँ पे हमारे रूम्स हैं, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और ये आई थिंक लॉबी टाइप उन्होंने पता नहीं बना रखा है आराम से। थोड़ी कुछ कोई कीड़ा पड़ती है, कोई पेंट करने शुरू। अरे बहुत ही चिल्लाने वाले थे, मम्मी ने मुझे साफ मना करा यहाँ पे कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे चिल्लाना अलाउड नहीं है। अलाउड ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, बट यहाँ पे ये ना क्या होता है, डर रहता है चीज़ों का, तो चिल्लाना नहीं चाहिए, बालों में तेल लगाना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो यस यस, उधर हज़रत सोफे और अरब अलग ही अपना मज़े में कर रहे हैं, और आई थिंक उन्होंने भी ये नहीं देखा होगा, आई थिंक सो, बट लेट्स सी, उनको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। दिखाती हूँ, आ गए। गाइज, यहाँ पे पूरा होटल एक्सप्लोर करने के बाद खाना खा के हम लोग सो गए। टू बी कंटिन्यू पार्ट टू, और भी ज़्यादा एक्साइटेड है इससे। और यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक भी और कमेंट भी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत जल्दी आने वाले। लव यू, अल्लाह हाफिज़।